कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के केस में मिली 2 साल की सज़ा के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि उनकी अयोग्यता का आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने सांसद परिषद में पार्टी के सांसदों की बैठक में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। हालांकि सूरत की अदालत ने राहुल को सजा के तुरंत बाद जमानत देते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सज़ा सुनाई है और 30 दिन की उसको अपील पर छोड़ दिया गया है। जब तक कोई ऊपरी अदालत राहुल गांधी की सज़ा पर रोक नहीं लगाती तब तक वह अयोग्य बने रहेंगे। कुल 8 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई, यानी कि 8 साल तक राहुल गांधी ना चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी सांसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। अयोग्यता के बाद वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव भी करा सकता है, यानी जो वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद थे अब वहाँ की सदस्यता समाप्त हो गई है, सीट खाली हो चुकी है, तो वहाँ पर उपचुनाव हो सकते हैं, करा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव कराने के लिए अभी 1 साल से ज़्यादा का समय बचा है। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है और वह मोदी सरकार के इस कदम के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा। अब सूरत कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब ऊपरी अदालत क्या कर सकती है, क्या क्या उनको रास्ते दिखा सकती है। सूरत की कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन दिए हैं, यानी 30 दिन के अंदर अंदर वो दूसरी अदालत से आदेश ला सकते हैं। अगर सजा पर रोक लग गई तो अयोग्यता के फैसले पर भी रोक लग जाएगी। अगर ऊपरी कोर्ट में सज़ा नहीं रोकी गई तो राहुल को 2 साल की जेल होगी, राहुल को 2 साल की जेल हो सकती है। सज़ा की अवधि और उसके पूरा होने के 6 साल बाद तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यानी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी, यानी 2 साल है और 6 साल, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। नियम है कि खाली हुई सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। चुनाव आयोग नियम के मुताबिक वायनाड सीट पर फैसला ले सकता है। जनवरी में लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देने के बाद आयोग के तुरंत उपचुनावी घोषणा की। केरल हाईकोर्ट में ने सजा सस्पेंड कर दी तो आयोग को नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी को सरकारी बंगला 30 दिन में खाली करना होगा, यानी 30 दिन में अगर राहुल गांधी पर केस वापस नहीं होता है तो 30 दिन में उसको बंगला खाली करना होगा। राहुल गांधी के लिए जारी किया गया नोटिस देख सकते हैं आप, टू बी पब्लिश्ड इन द गजेटेड ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेकंड सेक्शन 3 सेकंड डेटेड द 24 मार्च 2023 लोकसभा सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, और इसके कोड नंबर है, डेट ऑफ द 24 मार्च 2023
3 1945 का नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं श्री राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट केरला स्टैंड डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्वेंशन 23 मार्च 2023 इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102, यानी कि आर्टिकल 102 के तहत इनको केरला के जो सांसद है वायनाड से उनसे इनको डिसमिस किया जाता है, यानी कि इसको हटाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड द विथ सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी धारा 102 आर्टिकल 102 और सेक्शन 8 के तहत इनको वायनाड से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, डिसक्वालीफाइड किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यानी कि उत्पाल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल है और इन्होंने डेटेड द 24 मार्च 2023 को इन्होंने नोटिस जारी किया है और इनकी जो सदस्यता है वो 23 मार्च से समाप्त हो जाती है। और ये कहाँ कहाँ पर भेजा गया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो कॉपी फॉरवर्ड राहुल गांधी को भेजी गई है और कॉपी फॉरवर्ड इन लोग 1 2 3 4 5 6 जगह पर भेजी गई है। कौन कौन जगह पर? द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी राज्यसभा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल मिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द चीफ इलेक्शन, तो राज्यसभा को भेजी गई, प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है, सेक्रेटरी राज्यसभा सेक्रेटरी को भेजी गई है, इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑफ द चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर केरला को भेजी गई है, तिरुवनंतपुरम केरला को भेजी गई है, द लिशन ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट पार्लियामेंट हाउस अनेक्स न्यू दिल्ली को भेजी गई है, एक सेक्रेटरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल न्यू दिल्ली। लिशन ऑफिसर द टेलीफोन पार्लियामेंट हाउस एनेक्स न्यू दिल्ली को भेजी गई है, ऑल ऑफिसर्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरी, तो इनके साइन हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।